everybody cut at the same time. Okay, so there will be an announcement that the show is going to be open. So then everybody takes the process from here and cut at the same time. चलो पीछे से भी एक साथ कटिंग हो गया सर वाइट भी ले लो माइक भी नहीं लगा पापा हां ले लो बना लो स्टैंड बना लो अरे यार इतना छोटा भी स्टैंड है अब गैस जेम फाइन आई कम फ्रॉम निंगबो म्युनिसिपल कमीशन ऑफ कॉमर्स माय पोजीशन इज डिवीजन चीफ ऑफ फॉरेन ट्रेड प्रमोशन. It's my pleasure to organize the opening ceremony of Home Life India 2016. Before the beginning, I'll take the opportunity to introduce the city of Ningbo and Ningbo's fair. Ningbo is an ancient and beautiful port. Warm welcome to all our guests and friends. 向给予展会大力支持和协助的中方及印度方两国政府相关部门的支持，表示衷心的感谢。Bring our heartfelt thanks. 印度工商部工业发展司司长阿杰·桑卡尔先生。 India Industry Commercial Development Ministry Shankar, Mr. Ajay Shankar. 印度工业联合会西部区副主席尼纳德·凯帕尔先生 Managing Director CEO Amptik Limit Mr. Ninad Kapoor 马拉加特邦 Maharashtra Secret of Maharashtra Women Committee last secret of Maharashtra government, Mrs. Nila Shatina. 孟买工业协会会长吉纳斯来向大家介绍出席今天开幕式的中方嘉宾有 Minister of Wenzhou Industry Ministry. 米奥兰特国际会展公司董事长潘建军先生 International Development CEO. Namaskar. China Machine Next India 2016 या एक्जिबिशन साठी सर्वप्रथम सगळ्या डेलिगेट्सचं मी वेलकम करते मुंबईच्या वतीने आणि एक चांगली अपॉर्च्युनिटी त्यांनी दिलेली आहे एक मुंबई ही भारताची औद्योगिक राजधानी म्हणून ओळखली जाते आणि आजच्या त्या एक्झिबिशनच्या सोहळ्याला मला वाटतं व्यासपीठावर उपस्थित सर्वच डिग्निटरी आणि समोर असलेले सर्वच मान्यवर मुंबई महाराष्ट्र भारताची औद्योगिक राजधानी आहे आणि मुंबईकडे एक अपेक्षेने सगळेजण येत असतात आणि भारताचे पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदीजींनी सुद्धा मेक इन इंडिया या कन्सेप्टद्वारे जगातील सर्वच देशांना आमंत्रित केलेलं आहे की मुंबईमध्ये या भारतात या आणि एक चांगलं औद्योगिक वातावरण तुम्हाला उपलब्ध होणार आहे आणि त्या अनुषंगाने तुम्ही चांगलं बिझनेस करू शकता आणि त्यामुळे भारतातील लोकांना सुद्धा एक बिझनेस अपॉर्च्युनिटी मिळू शकेल रोजगाराची त्यांना संधी मिळू शकेल आणि सगळे एकत्र येऊन चांगल्या प्रकारे आपण उद्योगामध्ये एक नाम कमवू शकतो मला असं वाटतं ही एक चांगली अपॉर्च्युनिटी आहे आणि सर्वांचं मी पुन्हा एकदा स्वागत करते आणि सगळ्या तमाम मुंबईवतींच्या तर्फे तुम्हाला हार्दिक शुभेच्छा देते जय हिंद जय महाराष्ट्र Come to close. Open ceremony has closed.
Please, everyone, go inside, have the tour of those. सबसे पहले तो सगळ्या चाइना डेलिगेट्स आणि आपल्या भारतातील सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत मुंबईमध्ये करत आहे. म्हणजे चाइना एअरप्लेन इंडिया 2016 ही एक चांगली अपॉर्च्युनिटी आहे. माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींनी पण सांगितलेलं होतं की मेक इन इंडिया याद्वारे त्यांनी बऱ्याचशा जगातील सगळ्या देशातील लोकांना इथे मुंबईमध्ये यायला आमंत्रित केलं होतं आणि एक चांगली अपॉर्च्युनिटी आपल्या भारतीय जनतेला मिळू शकेल आणि एक चांगलं वातावरण मुंबईमध्ये तर आहेच, पोषक असं वातावरण त्याला एक चालना मिळू शकेल आणि मला वाटतं रोजगाराची सुद्धा निर्मिती त्याद्वारे होऊ शकते ही सगळ्यात जमीची बाजू. इसके अलावा मैडम क्या एक्सपेक्टेशन है एग्जीबिशन जो लगा हुआ है उससे क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या कुछ ज़्यादा और क्या कुछ पॉजिटिव चीज़ें इंडिया को मिल सकती है? नक्कीच ज्यामधून आपल्याला जे इंडस्ट्री आहे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री असेल किंवा बिग स्केल इंडस्ट्री असेल ह्यांना एक चांगली अपॉर्च्युनिटी मिळणार आहे. लोकांना आपले बिझनेस एक्सचेंज करण्यामध्ये ह्याच्यात फायदा होईल आणि मला वाटतं ह्याच्यात पॉझिटिव्ह चांगले निर्णय घेण्यात येतील जे खरंच मुंबईच्या दृष्टीने, महाराष्ट्राच्या दृष्टीने, भारताच्या दृष्टीने लाभदायी ठरू शकतो. मॅडम या अभी जो एक क्वेश्चन डिमोनिटायझेशन जो हुआ है जिसके कारण क्या हुआ है कि मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स विच आर बीइंग सोल्ड इन द चाइनीज प्रोडक्ट्स इन इंडिया आर नेवर बिल्ड. अभी ये जो अभी हर कुछ चीज़ आपको कैशलेस और ये पेमेंट देना पड़ेगा, कैश का डीलिंग होगा नहीं, तो चाइनीज का प्रोडक्ट्स कैसा बेचा जाएगा? मला वाटतं हे माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींचा हा विषय आहे. त्यांनी जर ही नोटबंदी जर आणली असेल भ्रष्टाचार निर्मूलनासाठी आम्ही सदैव त्यांच्यासोबत आहोत, परंतु जे योजनाबद्ध काम होणं गरजेचं होतं ते मला वाटतं अजून झालेलं नाही आहे. ह्याच्यापुढे येणारं काय आहे ते सगळ्यांनाच संभ्रमत आहेत सगळे की येणाऱ्या कालावधीमध्ये त्याचं कसं रिझल्ट असेल. मला वाटतं आत्ता तरी सध्या सर्वसामान्य लोकांपासून ते सगळेच लोक यामुळे त्रस्त झालेले आहेत. एक और क्वेश्चन देखिए, ये एक तो काफ़ी एग्जिबिशन होते हैं हिंदुस्तान में, लेकिन जो एक सिंगल कंट्री की जो एग्जिबिशन है तो इस कंट्री में सबसे लार्जेस्ट डेलीगेशन आया है चाइना का. 1000 से ज़्यादा कंपनीज आई हैं और काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजीज़ और प्रोडक्ट्स यहाँ पर डिस्प्ले की जा रही हैं. ये जो कंपनी आई है ये मेक इन इंडिया प्रोग्राम के अंदर जॉइंट वेंचर कोलैबोरेशन, कोऑपरेशन, ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी और पार्टनरशिप के सोच के साथ यहाँ पर आई है. इंडियन उद्योग को और इंडियन मशीनरी को कितना फायदा है? देखिए ऐसा है कि हमारे पास जो है एडवांस्ड मशीनरी फॉर मेकिंग मशीनरी नहीं है. जैसे मैं आपको कहना चाहूँगा जैसे हम प्लास्टिक के बहुत सारे मटेरियल बनाते हैं, लेकिन प्लास्टिक बनाने के लिए जो मशीनरी जो है हमारे पास लोकल मैन्युफैक्चर नहीं होती है. अभी इस समय 95% ऑफ ये जो मशीनरी है ये चाइना से इंपोर्ट हो रही है पूरे हिंदुस्तान में. तो इस तरीके से हिंदुस्तान को अपना अगर प्रोडक्शन बनाना है तो हमें कहीं ना कहीं से तो मशीनरी लेनी पड़ेगी, चाहे हम जर्मनी से ले, इटली से ले, अमेरिका से ले या चाइना से ले. तो इनका जो कहना है कि हम जो है जर्मन क्वालिटी मशीन आपको ऑलमोस्ट 100% सेम मशीनरी हम आपको 60% प्राइस, 70% प्राइस में देंगे. तो ये कहना है कि हिंदुस्तानियों के लिए अगर मशीनरी खरीदनी है तो हम महंगी क्यों खरीदें अगर वही मशीन हमको सेम आउटपुट दे रहा है. इसके अलावा क्या एक्सपेक्टेशन है एग्जीबिशन से कि क्या कुछ बेस्ट चीज़ आ सकती है? देखिए एग्जीबिशन से एक्सपेक्टेशन ये है कि एग्जीबिशन एक मीडियम है जहाँ से इंडियन बिजनेसमैन फॉरेन बिजनेसमैन से मिल सकता है. अगर इंडियन बिजनेसमैन को चाइनीज़ कंपनी से मिलना है तो उनको जो है यहाँ से चाइना का टिकट लेके जाना पड़ेगा. विदेश कंट्री है वहाँ पर अंग्रेज़ी का ज़्यादा बोलचाल नहीं है, तो यहाँ पर जो है इंटरप्रेटर्स दिए हुए हैं हमारे देश में हैं, तो काफ़ी इजी है. आपके 5-6 दिन भी नहीं जाएंगे, कुछ घंटे के लिए आइए और आप यहाँ से डायरेक्ट मिलिए. ये जो एग्जीबिशन है ये चाइना गवर्नमेंट से सपोर्टेड है, तो इन्होंने सिर्फ टॉप क्वालिटी के मैन्युफैक्चरर्स को यहाँ पर आने दिया है. तो एकदम बेस्ट क्वालिटी मैन्युफैक्चरर्स इस एग्जीबिशन में आपको मिलेंगे. इसके अलावा एक आखिरी सवाल कि जो लोग यहाँ पर आएंगे जाहिर है उनके मन में ये सवाल होगा कि वो पेमेंट किस तरह से करेंगे, तो क्या कुछ फैसिलिटीज़ यहाँ पे की जा रही है?
ताकि जो पेमेंट की जो दिक्कत है, क्योंकि 500 हज़ार रुपये का जो नोट बंद हुआ है उसके बाद में कई सारे इफेक्ट जो है वो बिजनेस पे पड़े हैं, तो ऐसे में इस एग्जीबिशन पे जो लोग आ रहे हैं वो जाहिर है उनके मन में ये सवाल ज़रूर होगा कि वो पेमेंट किस तरह से करें, तो क्या उनके लिए क्या कुछ सहूलत की गई? देखिए, उनको उनका ऐसा फीलिंग है कि वो इंडिया के साथ लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप करने के लिए आ रहे हैं। डीमोनिटाइजेशन टेम्प्ररी इफेक्ट है और ये जो एग्जीबिशन है ये एक साल से पहले से प्लान की गई थी, तो अगले साल की भी एग्जीबिशन की डेट फिक्स हो गई है। उस समय जो हालात होंगे, जो भी होंगे, इनका कमिटमेंट इतना हाई है कि ये लोग उस टाइम पे भी वापस आएंगे। रही बात डीमोनिटाइजेशन की, इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो टोटल बैंक टू बैंक पेमेंट्स होता है, तो कोई बिजनेस में इफेक्ट हुआ नहीं है इस मामले में। ओके,